इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएल शेयर के बारे में, जहां पे अभी के टाइम में 5,495 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ शेयर आपको नज़र आएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि अभी 5,500 के थोड़ा नीचे ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आएगा। 5,495 जो कि 52 वीक है इसका ऑल टाइम जो हाई है, 52 वीक हाई ही है इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि कुछ यहाँ पे 5,674 का है, तो उससे थोड़ा सा नीचे अभी आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। और आज के दिन 0.81% के गिरावट में शेयर आपको नज़र आया। गिरावट ये काफ़ी नीचे तक था, बट मतलब बॉटम से टॉप तक अगर देखा जाए तो 2.70% का रिकवरी हमें नज़र आया है। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे टॉप से बॉटम तक 3.6% का गिरावट था, जिसमें से 2.70% का रिकवरी हुआ है, और 0.81% का यहाँ पे हमें अभी गिरावट में क्लोजिंग देखने को मिला है। बात करेंगे थोड़ा बाजार के सेंटिमेंट के ऊपर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे वीडियो में, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम देख लेंगे इस वीडियो में। निफ्टी 50 में 0.45% का गिरावट में क्लोजिंग दिया। सेंसेक्स 0.53% के गिरावट में। बैंक निफ्टी 0.72% के गिरावट में क्लोजिंग दिया। निफ्टी आईटी 1.03% के गिरावट में क्लोजिंग दिया। S&P BSE स्मॉल कैप में गिरावट काफ़ी ऊपर तक था, बट यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रिकवरी हुआ, 0.69% के गिरावट में क्लोजिंग हुआ। ये गिरावट मतलब अगर देखा जाए S&P BSE स्मॉल कैप में तो काफ़ी ऊपर था, मतलब कह सकते हो कि लगभग यहाँ पे अगर हम देखें गिरावट कितना था, तो यहाँ पे गिरावट मतलब 2% से भी ऊपर का आई थिंक गिरावट नज़र आया था हमें, मतलब कि 2-2.5% के आसपास। मैं आपको कैलकुलेट करके अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.46% गिरावट में था, बट लास्ट तक ये हमें रिकवरी देखने में मिल गया है 1.98% का। तो जो भी है 0.69% गिरावट में क्लोजिंग दिया है S&P BSE स्मॉल कैप। इंडियन मार्केट में आज के दिन गिरावट ही गिरावट रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, थोड़ा बात कर लेते हैं आज का कारोबार क्या रहा उसके ऊपर, तो डिटेल में हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वॉल्यूम के ऊपर कि वॉल्यूम हमें क्या देखने को मिल रहा है, उसके रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो टुडे का वॉल्यूम देखेंगे 23 लाख का, यस्टरडे का 26 लाख के वॉल्यूम में 12 लाख का डिलीवरी उठाया गया था 1 वीक के एवरेज में, 34 लाख के वॉल्यूम में 14 लाख यानी 14 लाख का डिलीवरी उठाया गया था 1 मंथ के एवरेज में, 39 लाख के वॉल्यूम में 13 लाख का डिलीवरी उठाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कम्युनिटी सेंटिमेंट क्या है, तो 75% लोग कह रहे हैं बाई और 25% लोग कह रहे हैं होल्ड। अब आपका ओपिनियन क्या है शेयर को लेके, प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। 75% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंड यहाँ पे बाइंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब आपका ओपिनियन क्या है बता सकते हो कमेंट में, अदरवाइज इग्नोर इट, बाकी देखते हैं और आगे और कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू NSE अगर हम बात करें तो 0.81% का गिरावट हमें देखने को मिला। मार्केट क्लोज अभी हो चुका है, 400 क्वांटिटी बाई साइड में मोटर पर लग चुका है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। आज के दिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो 32.55 यानी 32.55% का डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखने में मिला है, मतलब डिलीवरी में इतना बाइंग हमें दिखने में मिला है, 32.55% डिलीवरी में माल उठाया गया है इतना परसेंट का, जो कि कह सकते हो फिर भी ठीक है, 30% से ऊपर का डिलीवरी माल उठाया गया। और ट्रेडेड यहाँ पे वैल्यू इन क्रूड यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो आज का ट्रेडिंग वैल्यू क्या है, और वॉल्यूम इन लाख आप देख सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पे वॉल्यूम पिछले कुछ मतलब यहाँ पे डाटा के हिसाब से मैंने आपको दिखाई दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी जो काम करता है, तो काम कंपनी ये काफ़ी अच्छा है, आप देखेंगे यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स रिपेयर्स वगैरह मेंटेनेंस वगैरह एयरक्राफ्ट का कह सकते हो कंपनी बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, बनाता भी है, मतलब कह सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम आया तो उसमें बनाता भी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, मतलब कंपनी का फंडामेंटल बेसिस पे भी कंपनी काफ़ी अच्छा है, बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छा है। अब देखेंगे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न ये भी कहीं ना कहीं हमें ठीक ठाक मतलब ठीक ही नज़र आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो डेट है यानी कर्ज है कंपनी के ऊपर 49 करोड़ का, 4 लाख, 49 करोड़ 4 लाख का कंपनी पास डेट है, 49.04 करोड़ का कंपनी पास डेट है। कंपनी पास कैश कितना पड़ा हुआ है, 20,306 करोड़ से भी ऊपर का कंपनी पास कैश पड़ा हुआ है, 20,306.15 करोड़ कंपनी पास कैश पड़ा हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी पास कैश काफ़ी अच्छा पड़ा हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लेवल्स के बारे में, क्या कि लेवल बन क्या रहा है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए।
वीडियो को पूरा लास्ट तक तो आप देखते रहिए, यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके हम देख लेते हैं। तो लेवल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे अगर हम बात करें लेवल क्या बन रहा है, तो सबसे पहले अगर आपको ग्राउंड यहाँ पर देखने में मिलता है तो किस लेवल पर आप ध्यान दीजिएगा, तो वो लेवल हमारा कुछ इतना का लेवल रहेगा जो कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहला लेवल हमारा कुछ यहाँ पे 5421 के आसपास, 19 के आसपास ये लेवल ध्यान दीजिएगा। इसको अगर ये ब्रेक करता है नेक्स्ट लेवल 5323 का लेवल, और लास्ट जो लेवल रहेगा जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है हमें, जो कि 5252 का। डाउन साइड में ये कुछ तीन लेवल आप ध्यान दीजिएगा अगर हमें गिरावट यहाँ पर डाउन साइड में देखने में मिलता है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर आपको तेज़ी देखने में मिलता है तो किस लेवल पर आप ध्यान दे सकते हो, तो सबसे पहला जो लेवल रहेगा अपसाइड के लिए वो हमारा कुछ इतना का लेवल रहेगा। आप देखेंगे यहाँ पे 5584 के आसपास, इसको अगर ये ब्रेक करता है नेक्स्ट लेवल दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो हमारा कुछ इतना का लेवल रहेगा। देखिए जो देखेंगे यहाँ पे 5673 का लेवल, और 7374 का, 5674 का जो लेवल है उसको अगर ये ब्रेक करता है तो फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाएगा, और ऑल टाइम हाई वही है जो कि उसको ब्रेक करता है तो एक न्यू फ्रेश ऑल टाइम हाई लगेगा। तो ये कुछ लेवल्स है जो कि आप आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें एच एल शेयर में। बाकी अगर कुछ हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर ड्रॉ करें जो कि आप देखेंगे कि जहाँ पे ट्रेड करते हुए हमें नज़र आ रहा था, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जैसे हुआ, आप देखेंगे यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद यहाँ पे शेयर में काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने में मिला, और कुछ यहाँ से जो कि प्राइस मतलब 5600 से एकदम से कह सकते हो कहाँ तक आ गया था, 5326 के आसपास आ गया था, उसके बाद एकदम से बाउंस बैक हुआ और एकदम से तेज़ी हमें देखने में मिला। और अभी आप यहाँ देख ही सकते हो कि फिर से अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हो सकता है जब आगे आने वाले टाइम में और भी यहाँ पे हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखे, ये वाला लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाला ट्रेंड लाइन देखते हैं आने वाले टाइम में क्या इसको ब्रेक करता है या फिर कह सकते हो कि इसी पे ऊपर की तरफ हमें जाते हुए दिखता है, अब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। फिलहाल आज के लिए कुछ इतना ही, और कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। और आपने कितने के प्राइस पर बाई किया है नीचे कमेंट में बता सकते हो बताने का मन हो तो। और देखिए कंपनी में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या क्या देखना है, तो कंपनी काम क्या कर रहा है, अगर कंपनी अच्छा काम कर रहा है कंपनी खुद प्रॉफिटेबल रहेगा तो इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट होगा, अदरवाइज अगर कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं करेगा तो इन्वेस्टर्स को क्या प्रॉफिट होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको सोचना चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और खासकर इस स्टॉक में आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है पहले के प्राइस पे तो अभी तक तो आप काफ़ी अच्छे रिटर्न में होंगे, और आने वाले टाइम में भी अच्छा फ्यूचर में वैरायटी दिख रहा है इस कंपनी का। अब किसी के बारे में 100% कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या देखने को मिल जाए। फिलहाल चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।